नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे उन दर्शकों के लिए जो कि उत्तरमुखी घर में रहते हैं अथवा उत्तरमुखी घर का निर्माण करवाना चाहते हैं। आज मैं उत्तरमुखी घर के वास्तुशास्त्र के सारे नियमों को एक एक करके बिंदुवार समझाऊंगा, जिससे आप सभी का जीवन सुख शांति और समृद्धि पूर्वक हो एवं घर में चुंबकीय संतुलन बना रहे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हर एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। आइए एक एक बिंदुओं को हम समझते हैं कि उत्तरमुखी मकान में ऐसी कौन सी खासियत होनी चाहिए, ऐसे कौन से सिद्धांतों अथवा नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आप और आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से रह सके। मित्रों, बहुत से दर्शक ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, उत्तरमुखी मकान शुभ होता है या नहीं, कौन सा मकान ज़्यादा शुभ होता है। मेरा जवाब है कि उत्तरमुखी मकान बिल्कुल शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है, यदि उसका निर्माण वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके करवाया जाए। आम तौर पर होता क्या है कि आप कमरा, किचन, लैट्रिन बाथरूम, सीढ़ी आदि का निर्माण सही स्थान पर तो करवा देते हैं, लेकिन उत्तरमुखी मकान में मूल रूप से लागू होने वाले कुछ सिद्धांतों का पालन आप नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में मैं वास्तुशास्त्र के ऐसे मूल सिद्धांतों अथवा बेसिक रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका पालन करना उत्तरमुखी मकान के स्वामी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सिद्धांतों का पालन आप नहीं करते हैं तो सारा निर्माण कमरा, किचन, लैट्रिन बाथरूम, सीढ़ी सही स्थान पर होने के बावजूद आपको कुछ समस्याएँ आएंगी। यदि आज के बताए गए नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो उत्तरमुखी मकान आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। आज के एपिसोड में एक एक करके बिंदुवार में चर्चा कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और उत्तरमुखी मकान का निर्माण करवाने से पहले इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। आइए सबसे पहले जानते हैं ओपन एरिया, कोर्टयार्ड या ओपन पैसेज के बारे में कि हम उत्तरमुखी मकान में खाली स्थान कहाँ पर छोड़ें। जी हाँ, उत्तरमुखी मकान की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आप इसका निर्माण जमीन में पीछे की तरफ से करवा सकते हैं और फ्रंट में आगे की तरफ आप चाहे जितना जमीन छोड़ सकते हैं, और साथ ही दूसरे साइड आप पूर्व के दिशा में भी आप ओपन पैसेज या गलियारा छोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के आप उत्तर और पूर्व दोनों दिशाओं में ओपन एरिया छोड़ सकते हैं, जिससे आपका घर अत्यंत सुंदर और भव्य दिखेगा। और साथ ही उत्तर दिशा में जो आप जमीन खाली छोड़ते हैं उसके माध्यम से जो ऊर्जा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वह आपको आर्थिक रूप से सबल बनाती है, आर्थिक रूप से समृद्ध करती है। और पूर्व में जो आप एरिया छोड़ते हैं या गलियारा छोड़ते हैं तो उधर से आने वाली ऊर्जा आपके बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सुविधा, यह खासियत पश्चिम मुखी अथवा दक्षिण मुखी मकान में संभव ही नहीं है, जिसका एपिसोड मैंने पूर्व में बना रखा है। यदि आप पश्चिम, दक्षिण अथवा पूर्व मुखी मकान की खासियत जानना चाहते हो तो इन एपिसोड को अवश्य देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या लॉन किधर रखा जाए उत्तरमुखी मकान में, वह आगे की तरफ रखा जाए या पीछे की तरफ रखा जाए। यदि घर के फ्रंट में आप लॉन रखना चाहते हैं तो उत्तरमुखी मकान में आप फ्रंट में लॉन रख सकते हैं, चाहे तो उत्तर दिशा की तरफ रख लें, चाहे तो पूर्व दिशा की तरफ रख लें। यह दोनों ही दिशा अत्यंत शुभ होगी आपको लॉन बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त वाटर बोरिंग,
पानी की बोरिंग भी आपकी फ्रंट साइड में ईशान क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र अथवा पूर्व और ईशान के बीच किसी भी एरिया में करवाई जा सकती है। उत्तरमुखी मकान की यह भी एक खासियत होती है। यदि आज बताए गए मूल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके आप अपने उत्तरमुखी मकान में किचन, लैट्रिन बाथरूम, सीढ़ी, बेडरूम, वरांडा आदि का निर्माण करवाते हैं तो आप उस घर में स्थायी रूप से सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे। आपका और आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का बौद्धिक विकास कभी अवरुद्ध नहीं होगा, आर्थिक विकास अवरुद्ध नहीं होगा, आप इस बात से निश्चिंत रहें। परंतु आज बताए गए नियमों का पालन करना किसी भी उत्तरमुखी मकान, फ्लैट, बैंगलो, फार्म हाउस के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। नमस्कार।